अर्ज किया है, महफिल से निकली जब वो तो किसी को खबर तक ना हुई। महफिल में नींबू का गायब होना उसे बदनाम कर गया। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्णा। नींबू स्पेशल मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 262 में आप स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा किन्नी खन एड़ो मैसेज है कि जिन मैंने 11 लोगों ने भेजे नींबू सस्तो हो जावे। वो तो अच्छा है कि ढिंडोरा पीटने की मेरी आदत नहीं, बाकी पोस्ट डालर में हैगा बता देती कि मैं नींबू पानी पी रही हूँ। ये किस्सा दिल का है जो बड़ी खामोशी से कहता है, छाछ में पानी मिला कर पिला सबको, नींबू पानी बहुत महंगा पड़ता है। नींबू के वे सब निचोड़ते हैं मुझे, और जब मैंने निचोड़ा तो सबके दिल पे लग गई। आज सबसे महंगा गाना सुना है मैंने, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा। रमेश के वे कि दोस्तों आज मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं मुझे देखने, नींबू के शिकंजी पिलाने से बात बन जाएगी क्या? उदास हो जाओ तो मेरी हंसी मांग लेना, और अगर गम हो तो मेरी खुशी मांग लेना। गला सूखा हो आपका और चाहिए कुछ पीने के लिए तो नींबू के शिकंजी छोड़कर कुछ भी मांग लेना। मेहरबानी करके अपने बच्चों को नींबू लेने के लिए अकेले ना भेजिए, घर के दो चार लोग साथ जरूर जाए। नींबू महंगा हो गया लेकिन ये विम बार के दाम नहीं बढ़े, यानी ये जो विम है ना इसमें कोई नींबू विम्बू नहीं है। फ्रिज में 4 नींबू रखे हैं, डर है कहीं ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, रस्ते में मिले नींबू तो मेरे लिए भी लाना। देखो सा, खीरा 20 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो, आलू 15 रुपए किलो, लेकिन जी का विपक्षी पार्टी यानी इन्हें तो नींबू ही खाना है। 70 साल में पहली बार नींबू राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना। राम राम सा खमागणी, जय श्री कृष्णा। हमारी कॉमेडी पसंद आई वे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जो, और ट्विंकल वैष्णो कॉमेडी चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।